फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन ये वाला टैप करना है। अब यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर टैप करना है। अब यहाँ पे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर आपको रीसेट पे टैप करना है। अब आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है नेटवर्क सेटिंग रीसेट। तो सबसे पहले मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट इस तरीके से कर देना है, जिससे नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड एक कनेक्शन पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे मोबाइल नेटवर्क का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये नेटवर्क ऑपरेटर है, इसे टैप करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली के सामने वाले बटन जो है ये आपका ऑन होना चाहिए, इसे हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है। अब यहाँ पर आपको ये नेटवर्क मोड का जो ऑप्शन है, नेटवर्क मोड पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको 5G का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो और आखिरी में आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।